देखो भाई, अब देखो शहनाज खान जो प्रत्याशी रही हैं चेयरमैन की रामनगर क्षेत्र की, और आप आइए और दुपट्टा डाल के साथ स्वागत करें। पप्पी मदीना जी भी आप भी आए मंच पर, रिजवान जी भी आप भी आइए, परवीन बेगम जी आप भी कृपया मंच पर आए और स्वागत करें। श्रीमती वंदना भूलकर जी कृपया आप मंच पर आइए और आपका अतिथि महोदय जी का स्वागत करें। श्रीमती सविता देवी जी आप भी आइए मंच पर और अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्रीमती सुनीता देवी जी भी आप भी मंच, सविता जी भी आप भी मंच पर आइए। बड़ा सौभाग्य है आज काशी की धरती पावन धरती पर जो कि ऐतिहासिक घड़ी है, जहां महिलाओं को एकता देखने को मिल रहा है। एक प्रभु सम्मेलन में मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आयोजन किया है। मनोरमा पांडे जी अधिवक्ता हाई कोर्ट की है, आपने जो मेहनत किया है। बंगाली टोला क्षेत्र की रही है और तारा देवी जी आप भी हमारी बड़ी बहन है। हमारे बीच में सरकार राजनीतिक चेतना मंच की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री सेठ जी से आग्रह है कि अतिथि महोदय जी का माला और साल के साथ सम्मान करें। और भी इसी कड़ी में मैं आज इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक सुधा चौधरी जी आप भी हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। प्रियंका भारती जी आप मंच पर आए और पत्नी राजेश भारती जी जो बहुत जन सैलाब की संग्रह के साथ आई है, इनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। सुनीता देवी और जावित्री देवी आप भी मंच पर आए और अतिथि महोदय कुमार लेपल का स्वागत करें। और इसी कड़ी में मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्रीमती मनोरमा पांडे जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आदरणीय अतिथि महोदय जी से आशीर्वाद लें और उनका स्वागत भी करें। पीना जी आप भी आए और स्वागत करें। बीना जी से आग्रह कि आप मंच पर आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में जो बड़े भाई हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार में बहुजन समाज पार्टी में,
जिनके जिम्मे कई विभाग था, हम लोगों से भाग मिला है, उनके निर्देशन में इतना हुआ है, हम लोग कभी किए। लीना भारती शांति जमीन इसी कड़ी में आए और आप अतिथि महोदय को स्वागत करें। अरुचि गुप्ता जी भी आप भी मंच पर आए। अब आपके बीच में माननीय नगर विकास मंत्री श्री नकुल दुबे जी आ रहे हैं। तो सब आज बाबा काशी सुनार जी की धरती पर और इस पारकर ऐतिहासिक भवन में हम सब लोग अभिभूत हैं। आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को अपने बीच में पाकर अब देखा हम बोलब क्यों बोलेगा अतिथा हजर भी आचार्य जन होते। अब हमारे जो काम शुरू हो गया, हम होगा नर्सरी कही तब हम काहे के लिए जो है बताए कि हम जो है बाहर से आए। अब सबके मिलके एक बार जोरदार नारा लगाओ एक बार संगे ठीक बात तैयार। अब पानी नहीं ले जा बैंक वाली मारती जिंदाबाद। मजबूती से अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वैसा ही वर्चस्व स्थापित करना जैसा 2007 से 12 के बीच में स्थापित हुआ था। तो जोरदार आवाज में दोनों हाथ उठा करके बैंक कुमारी मां जिंदाबाद, बैंक कुमारी मां जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, कल्पना दीदी आप संघर्ष करो, कल्पना दीदी आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, सम्मानित श्री रचना त्रिपाठी जी, सम्मानित श्रीमती ममता दुबे जी, मंच पर विराजमान श्रीमती मनोरमा पांडे जी, मंच पर विराजमान इंजीनियर अर्चना सिंह पटेल जी, जिला पंचायत सदस्य जो कि वाराणसी जनपद के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की धर्मपत्नी है। उन्होंने अपने उद्बोधन कर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छा वातावरण बनाया। वंदना सोनकर जी, बीना देवी जी, निर्मला देवी जी, रमा देवी जी, बबीता जी, सुषमा जी, रुचि गुप्ता, शहनाज जी, नूर खान जी, रीना देवी जी, सुनीता गुप्ता जी, राधा वर्मा जी, जयामित्री जी, सुनीता देवी जी और बहुत सारे नाम है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जिस जनपद में बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए इतना इतनी माताएं बहनें बेटियां हो उस जनपद में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्येक सीट आने वाले 2022 में जीतने जा रही है, ऐसा मुझे उतना विश्वास। मैं आपके और आपके मुख्य अतिथि में कतई बाधा नहीं बनना चाहता। बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक जीवन होना चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 में हमको संविधान देकर के इस देश की नागरिकता में हम लोग को ताकत देने का काम किया है तो आज का ये दिन वाराणसी जनपद के लिए ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। जबकि आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी अपने विचारों को आपके बीच में रखने जा रही है, इनके एक एक शब्द को अपने साथ लेकर के जाने का काम करिएगा। और जहाँ से भी आप जिस मोहल्ले से आए हैं, जिस बाजार से, इस मार्केट से आप लोग वहां पर आए हैं, उन बाजारों में, उन घरों में, उन मोहल्लों में, एक एक घर में आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी की बातों को पहुंचा करके ये संकल्प दिलाने का काम करिए कि सब लोग ये संकल्पित हो कि हम लोग 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे हम लोग चलते बैठने वाले नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को, कृपया हम माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी। अरे बहन जी कल्पना मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी कल्पना मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद।
एवं सर्वजन सुहाय की विचार धारा को रखने वाली तथा उसी के नीत में चलने वाली बहुजन समाज पार्टी के आज तत्वाधान में सर्व समाज की महिलाओं सम्मान और सुरक्षा तरक्की को लेके जो सर्व समाज की महिलाएं आज अच्छा हुई हैं उनके लिए आज जो आयोजन किया गया है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी माँ बहन बेटियाँ सभी लोग उपस्थित हैं जिनको हम सादर प्रणाम करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो मंच पे आसीन आयोजक गण हैं और हमारे जो जितने भी भाई बहन आए हुए हैं उनका सबका स्वागत है। और हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कौशिक पांडे जी का जिनके कारण आज हमें बनारस में बोलने का अवसर मिला है। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मिश्रा जी जो मेरे पति सतीश चंद्र मिश्रा जी है वो पिछले 4 महीने में 75 जिलों में जाके सर्व समाज को जोड़ने का काम जिन्होंने किया है। साथ में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर श्री नकुल द्विवेदी ने तथा और श्री अरुण द्विवेदी जी ने उनका साथ दिया है। तो पत्नी होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इस मुहिम में उनके साथ पूर्ण तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ जुड़े। इसीलिए हम आज आपके सामने आए हुए हैं। 2007 से 2012 की आपने पूर्ण बहुमत की सर्व समाज के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की बीएसपी की सरकार आई थी तो उनका आपने शासनकाल देखा। शासन ही नहीं शासन के साथ अनुशासन तथा कानून व्यवस्था को आपने देखा और परखा है। उनके शासनकाल में हमारी माँ बहन बेटियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। कोई भी अगर आधी रात में भी निकल के कहीं जाना चाहे काम पड़ जाए तो उन लोगों को विश्वास था मन में कोई डर नहीं था कि हमारी आजकल बहन जी की सरकार है इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए नहीं उठा सकता है ना हमारे कोई बुरी नजर से देख सकता है। वो अपना काम करती थी क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का सबसे पहले ये समझ लीजिए आदेश था या पुलिस डिपार्टमेंट ने कि कोई महिलाओं को पूरी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर कोई किसी के साथ कुछ उत्पीड़न होता है तो उनकी सबसे पहले कार्रवाई होगी और उनकी सुनने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने पूरे प्रदेश में महिला थानों की स्थापना की थी और उसमें 24 घंटे महिला इंचार्ज रहती जिससे कि किसी को कोई कहीं जाने में आने में दिक्कत ना हो। यही नहीं कि घर में भी लोग महफूज हैं और साथ में ऑफिस में भी रहें। वर्तमान समय में ये जो रोको और ठोको की सरकार चल रही है इसको हम पुलिसिया राज कहें क्या कहें आप लोग खुद ही बताइए। जहाँ पे ये हाल है कि कोई भी आप मतलब हम ही कह रहे हैं ये क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि हर 2 घंटे में इस प्रदेश के साथ इस प्रदेश में एक महिला के साथ हर 2 घंटे में उत्पीड़न हो रहा है। बलात्कार डकैती चोरी और हत्याएं जैसी जो आम आगे अपराध आम हो गए यहाँ हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आप खुशी कुमारी दुबे का ही देख लीजिए। खुशी दुबे जो की 17 साल की लड़की नाबालिग लड़की जो 2 दिन पहले शादी होके आई थी कानपुर में उसके साथ क्या हुआ उसको अरेस्ट कर लिया गया या किसी ने भी अपराध हो लेकिन उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अभी 1.5 साल हो गया है उसके कोई जमानत नहीं होने दे रहा। साथ ही साथ उसकी जो नौकरानी थी उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं उसके पति की हत्या कर दी गई और उसको भी जेल में रहने के लिए बच्चों के साथ मजबूर होना पड़ा। आप लोग हाथरस का केस जानते ही होंगे। हाथरस में क्या हुआ कि दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ हालत खराब होने पे उसको भर्ती कराया गया। जब अस्पताल में दम तोड़ दिया तो पुलिस प्रशासन के ही अंदर में आके उन्हीं के देखरेख में पेट्रोल डाल के उसको आधी रात में 2 बजे के करीब उसको जला पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके परिवार जनों को शव नहीं दिया ना उनको देखने दिया।
इसी तरह का जो बलात्कार के केस है, आपका उन्नाव का केस छुपा नहीं है, उन्नाव का कांड हुआ या महोबा का कांड हुआ, सब जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। वो ना घर में सुरक्षित है, ना ऑफिस में, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उनके लिए कोई ऐसा थाना है, ना थाने वाले में कोई सुनवाई कर रहा है। इसी से आपको जीता जागता उदाहरण हम बताते हैं कि हमारी लखनऊ की श्रद्धा गुप्ता, जो कि अयोध्या में अपने माँ बाप के भरण पोषण के लिए जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उसको एक आईपीएस अधिकारी ने इतना परेशान किया, इतना तंग किया कि अभी दिवाली के दो दिन पहले उसको खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। यही नहीं, रशिया को छोड़िए, हमारे देश के नौजवान वो भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आपने सुना होगा कि एनकाउंटर के नाम पर वहाँ पे पुलिस वाले हत्याएं कर रहे हैं, और एक जाति विशेष को लेके जैसे कि उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। आपकी जो ब्राह्मण समाज है उनके कितने लोगों का एनकाउंटर के नाम पे हत्या कर दी गई। यही नहीं, अभी कोरोना काल में यहाँ पे जहाँ मैं लखनऊ में एक आदमी बेचारा लड़का आया था अपने माँ बाप के इलाज के लिए, उसको वहाँ उसकी गाड़ी रोकी गई, उसको पुलिस लेके गई कैंट में और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप ही समझ सकते हैं यहाँ पे पुलिस के द्वारा लोगों महिलाओं के आग उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ना कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, उनके बुरा हाल है। ये जाति एक जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिए दूसरी जाति के साथ ये अत्याचार किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपने यहाँ के जो नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव में है, और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती, उनसे कहा जाता है आप पकौड़े बेचिए या आप ये स्टॉल लगा सकते हैं, नौकरी का क्या काम है। तो आप बताइए, ऐसे में आपके बहन बेटियां तो छोड़िए, लड़के भी आपके सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, आपके यही नहीं, पुलिस के कस्टडी में अभी अभी आपको उदाहरण आपको पता होगा कि कासगंज में एक लोग पुलिस कस्टडी में नौजवान मर गया, उसके लिए कह दिया गया कि ये दो फिटकी पाइप से खुदकुशी कर ली इसने। आप बड़ा हास्यप्रद लगता है कि दो फिटकी पाइप में पांच फिट का आदमी कैसे खुदकुशी कर सकता है। यही नहीं, इन पांच सालों में 10 से 15 लोग कस्टडी में ही मारे गए, जिनका कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। हम तो कहते हैं अगर अपराधी है आप उसको पकड़िए और जेल में डालिए, नियमावली के अनुसार, नियम के अनुसार उस पे केस चलाइए और न्यायालय उसे, अगर वो अपराधी है तो दंड देगी। आप लोग कानून क्यों हाथ में लेते हैं? कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत ध्वस्त हो चुकी है। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी थी उसमें तो आप लोग जानते ही है कि गुंडा राज था, किसी के घर पे अगर नजर पड़ गई, किसी के जगह पे नजर पड़ गई तो उसको हथियाना उनका पहला काम होता। विकास के नाम पे उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, जो प्रोजेक्ट थे सब बहन जी के थे, माननीय बहन जी ने, जैसे कि आपका मेट्रो है, आपका एक्सप्रेस वे तथा अंतरराष्ट्रीय जो यहाँ पे उसका ऑडिटोरियम बनाया गया, वो भी सब बहन जी ने भूमि का आवंटन करके बजट तक पास कर दिया था। उसके बाद बनने का काम और उस पे फीता काटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। यही नहीं, 320 एकड़ की जगह पे जो माननीय कांशीराम हरित पार्क बनाया गया था बहुत बड़ा लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने आके उसका नाम बदल दिया, गणेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया और फीता काट के बताया कि हमारे यहाँ बहुत विकास हो रहा है, सभी लोग सुरक्षित हैं और विकास के काम सिर्फ सपा गवर्नमेंट में ही हो रहे हैं, ऐसा शो किया। विकास के नाम पे आजकल की बीजेपी की सरकार आप उन्हीं को ले लीजिए, वहाँ कहीं कोई विकास नहीं हो रहा, सारे विकास के कार्य आपको या तो अखबार में पढ़ने को मिलेंगे या टीवी के विज्ञापनों के द्वारा बताए जा रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार के ये काम विकास के हुए हैं। एक दो को आप छोड़ दीजिए लेकिन बाकी सारे जितनी भी योजनाएं दिखाई जा रही है, जितना शिलान्यास हो रहा है, वो सब हवा हवाई है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। और ये विज्ञापन जिसपे कि बीजेपी की सरकार 200 करोड़ पर महीने प्रति माह के हिसाब से खर्चा कर रही है, ये पैसा किसका है?
आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये पैसा आप लोगों का है जो आपने टैक्स के रूप में दिया। सरकारी लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी में हमारा लड़की का हम घर ढूंढने जा रहे, सरकारी नौकर हो तो हमारा लड़की का बस भविष्य सुरक्षित होता है, लेकिन अब जब सरकारी विभाग ही नहीं रहे हैं तो वहाँ सरकारी नौकरियाँ कहाँ है। प्राइवेट कंपनियां भी उनकी नीतियों के कारण बंद होती जा रही है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब न सरकारी नौकरी है न प्राइवेट नौकरी है, वहाँ भी बेरोजगार के रोजगार की आशा खत्म हो रही है, तो ये हमारे बेचारे नौजवान कहाँ जाए। इसी जगह सवर्णों के ऊपर सपा गवर्नमेंट ने उनकी नौकरियों पे रोक लगाई थी। 2007 में माननीय बहन जी ने आके वहाँ पे 23 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था, जिसमें कि 1,08,000 सफाई कर्मियों को नौकरी दी गई थी, 1,80,000 उन्होंने सहायक अध्यापकों को नौकरी दी थी, जो कि अध्यापक आज वित्त विहीन अध्यापक पूरे प्रदेश में परेशान घूम रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी सरकार में। लोग हाँ सुनवाई करते हैं चुनाव होने से पहले, उनको प्रलोभन देते हैं कि आपको उचित मानदेय मिलेगा और नियमावली बनाई जाएगी, तो इसलिए आप और जैसे ही चुनाव हो जाता है तो वो सब नियमावली खत्म हो जाती है, कोई कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, ये जब बीजेपी की सरकार आई थी तो वित्तविहीन शिक्षक और कर्मचारियों ने विधानसभा के सामने आके आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनको लाठियां खानी पड़ी। सरकार की तरफ से पूरा पूरी छूट थी कि पुलिस वालों ने भरोसा पूर्वक उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया। इस पे तंग आके एक शिक्षिका ने अपना सर मुड़वा दिया और कहा आज हमने इस प्रदेश के मुखिया की क्रियाक्रम कर दिया है। तो उस पे टिप्पणी ये आई कि इन लोग इसी लायक है, इनको मारो ठोको रोको और ठोको, क्योंकि इन लोग इसी लायक है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो लोग परेशान होके फिर लौटे। इसी तरह पुलिस की नौकरी जो 2.5 लाख नौकरी थी पुलिस वालों को नौकरी दी, वो उसमें प्रमुख है, बाकी लोगों को नौजवानों को नौकरियां दी गई। इसी तरह से बहन जी के शासनकाल में जो गरीब सवर्ण थे उनको भी कृषि भूमि का आवंटन किया गया तथा गरीब सवर्ण की घर की लड़कियों को शिक्षा की योजना बनाई गई, उसमें उनको मानदेय मिला। साथ ही साथ जो लड़की 15 जनवरी 2009 की बात कहता हुई है उनको 18 साल की होने पर ₹1,00,000 देने का कानून बनाया गया। साथ ही जो कोई किसी के अगर पति की मौत हो जाती है तो उस पे आश्रित उनके ऊपर आश्रित उनकी बेटी या जो पत्नी है उसको भी उनकी संपत्ति में हक दिलाने का कानून आदरणीय बहन जी ने ही बनाया था। इसके साथ साथ गरीबों के लिए उन्होंने 20 लाख कांशीराम योजना के माननीय कांशीराम योजना के अंतर्गत 20 लाख मकान, 2 कमरे का मकान देने का काम आदरणीय बहन जी ने ही किया था, जिसमें कि 1 लाख मकान निर्माणाधीन थे जो कि समाजवादी पार्टी ने आके वो कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ बहन जी ने कितनी शिक्षा योजनाएं बनाई, उनका मानना है कि हमारे देश की बेटियां जो कि अभी पढ़ रही हैं उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो पढ़ने के स्वावलंबी बने, किसी पे आश्रित ना हो। इसी के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार देने की उन्होंने पूरी योजना बनाई थी और लोगों का पूरा सपोर्ट किया था, सहायता दी गई थी कि जिससे हमारी महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनके लिए भी एक मुश्त पैसा उनके बैंक में जमा करने का भी प्रावधान रखा गया था, जिससे कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं और अपना स्वावलंबन के साथ जीवन यापन कर सके। और इसके साथ साथ जो विधवा अगर अपने 35 साल की उम्र से कम है वो अगर दोबारा शादी करना चाहे उसके लिए ₹11,000 देने का प्रावधान रखा गया, जिसके अंतर्गत जो 5 सालों में इन 5 सालों में 2007 से 12 तक कितने लोग मतलब हजारों या लाखों की संख्या में लाभान्वित हुए। इसके साथ
प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं, वो गहने पहन के भी रात को 2:30 बजे निकल सकते हैं। आप ही बताइए, जब सचिवालय में महिला कर्मी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आपने कोरोना का काल देखा है जिसमें कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई है। हम मानते हैं कि 2020 में जो लहर कोरोना की आई थी वो अप्रत्याशित थी, लोग उसके लिए तैयार नहीं थे और उस समय लोग जब पलायन कर रहे थे बाहर बाहर देशों से, बॉम्बे से, हर जगह से अपने गांव पे जाने के लिए, उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, यातायात के कोई साधन नहीं जुटाए गए। उस समय सिर्फ केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार विज्ञापन में लगी हुई थी कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब 2021 में दूसरी लहर कोरोना की आई तब उसके लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम बीजेपी सरकार के पास नहीं था, ना ही इंजेक्शन थे और ना ही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में लोग तड़प तड़प के मर गए। कितनी लाशें जो कि और तो और उनको जलाने, शव को जलाने के लिए ईंधन भी नहीं था, लकड़ी भी नहीं प्रोवाइड की गई। कितने लोगों को मजबूरी में आके इलाहाबाद का ही केस है कि गंगा के किनारे बालू के नीचे दफना दी गई सारी लाशें, बाद में जब बाढ़ आई तो वो सब ऊपर निकल के चल गई। यही नहीं, संवेदनहीनता का ये हाल है कि जब कोरोना की भयंकर मार थी अप्रैल से लेके मई तक, तो मई में उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार पंचायती राज चुनाव करा रही, उसमें जो शिक्षक लोगों की ड्यूटी लगाई गई उसमें कितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए और कुछ लोगों की तो डेथ हो गई, मौत हो गई, लेकिन उनका मुआवजा उनके घर वालों को अभी तक नहीं दिया। यही नहीं, संवेदनहीनता का यह हाल है आपके बनारस में। जब हम पिछली बार आए थे 2-3 महीने पहले, तब देखा यहाँ से अन्य विद्यालय जो बच्चों का था उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। उन लोगों को पता लगा मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी अन्य बच्चों के लिए, दस तीन बालकों के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत सोशल सर्विस करते हैं। जब उनको पता लगा कि मिश्रा जी आए हुए थे, नकुल जी भी हैं, सब लोग हैं, तो उन्होंने उन हम लोगों को बुलाया, कहा आप लोग मेरी दशा देख लीजिए। आपको तो मिश्रा जी ने आश्वासन दिया था कि अगर सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम लोग जाएंगे। बाद में 2 दिन बाद ही पता लगा कि पुलिस वालों ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके उनको लहूलुहान कर दिया। आप साइकिल आदमी को करिए तो कम से कम वो मार भी सकता है, लेकिन जो दृष्ट बाधित बच्चे थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और उनको सड़क से हटाने का काम किया गया। संवेदनहीनता की आप एक नहीं कई उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा। संस्कृत विद्यालय, यहाँ पे प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालय चल रहे थे उसको भी उन्होंने मानदेय, उचित मानदेय नहीं दिया, जिसमें कि 50% विद्यालय बंद हो गए और बाकी जो बचे हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। यही नहीं, आपके वाराणसी में, हम बनारस की बात करना चाहेंगे कि काशी नगरी ऐसी नगरी है धर्म और आस्था की, जहाँ के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि अगर अपने अंतिम समय में कोई यहाँ आके रहता है, जीवन यापन करता है, तो वो सीधे स्वर्ग लोक जाता है। लेकिन जो बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो सौंदर्यीकरण किया गया उसको देख के कहीं दुख होता है कि लगता है कि जैसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, आस्था से बहुत दूर हो गया। यही नहीं कि जो वहाँ पे 400 मंदिर तोड़ दिए गए वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की आस्था पे क्यों घोटाला डाल दिया गया। 400 मंदिर तोड़ के कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि बहुत अत्याधुनिक होगा। हम लोग कल भी गए थे तो बताया गया यहाँ पे दो बहुत एसी वाले हॉल बनाए गए हैं जिसमें विधायक लोग आके मीटिंग करेंगे। हमें समझ नहीं आया कि सरकारी काम वहाँ क्यों होगा, जो कि आस्था का प्रतीक हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पे सरकारी काम करने के लिए बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं। ये चीज नहीं समझ में आती, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई और आस्था के नाम पे घोटाला था, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये दूसरी जगह माननीय बहन मायावती जी ने जब अपनी
मैगजीन में अपने सरकार शासनकाल में जब मथुरा का गेंद पूरा विकास किया था, सौंदर्यीकरण किया था, तो उन्होंने पुरोहितों को सबको बैठा के वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को बैठा के पहले समस्या जानी। समस्या जानने के बाद फिर उसका विकास किया था वहाँ पे। आज आप जाके मथुरा और वृंदावन का कायाकल्प कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले विधवा आश्रम बनाया और वहाँ पे फ्री रहने का इंतजाम किया। एक खर्च और उनका खाना फ्री, सब मुफ्त में रहने के लिए। क्यों ये बेसहारा है, इनके कोई सहारा नहीं है, तो ये सरकार की तरफ से कानून एक्ट बनाया गया कि उनको पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा भवन बनाया गया। और तो और वहाँ पता लगा बिजली नहीं है, तो उसके लिए बिजली स्टेशन खोला गया, बस स्टेशन खोला गया, और वहाँ पे लोगों के इलाज के लिए इसे हॉस्पिटल में था, तो 100-bedded हॉस्पिटल खोला गया। यही नहीं, उनके धर्म और आस्था से बड़ा उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि 24 कोसी जो परिक्रमा स्थल है उसका पूर्ण विकास किया गया। साथ साथ लोगों की सुख सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था और शौचालय यहाँ रास्ते में उनके बैठने के लिए बेंचेस, और साथ में उन्होंने कहा कि हम पक्की सड़क पे जाने जब निकलेंगे तो हमें वो अंदर से श्रद्धा नहीं आएगी। तो एक फुटपाथ कच्चा भी बनाया गया, पूरा 84 कोस का उसमें डेवलपमेंट किया गया। इसी तरह से अयोध्या में भी जितने धार्मिक स्थल है, अयोध्या में भी घाटों का निर्माण हुआ, वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट में प्लांट लगाया गया जिससे कि वहाँ की सरयू महती ना हो, और 12 कोसी परिक्रमा जो वहाँ होती है उसका भी पूरा विकास किया गया। इसी तरह उसी के साथ साथ यहाँ पे 325 करोड़ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था बनारस में। बनारस में आप लोग तो बनारस के हैं, आप लोग जानते हैं कि बहन जी के शासनकाल में कितनी सुविधाएं बुनकरों को दी गई थी, उनको हम काम के बिजली देने का काम आदरणीय बहन जी ने ही किया था। यहाँ बीजेपी की सरकार ठीक है सौंदर्यीकरण कर रही है, लेकिन साथ साथ में लोगों का भी सोचे तब ज्यादा अच्छा लगेगा कि यहाँ की महिलाओं के लिए सोचे, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी मायावती जी ही कर सकती है, जो कि और तो वो खुद एक औरत है, महिला है, वो महिलाओं और बेटियों का बहुत ध्यान रखती है। उसके लिए जो उनसे मन पड़ता है वो करने को वो तैयार। अपने 5 साल के काम में जो उन्होंने काम किए हैं शिक्षा को लेके, सभी को लेके, उसको अभी मैंने उसका डेटा पढ़ा जो उसको जानने की कोशिश की, तो हमको खुद ताजुब हुआ कि 5 साल में इतने काम हुए थे, लेकिन हाँ उसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। इसलिए लोग जानते नहीं है कि क्या क्या काम हुए। अगर टाइम रहा तो हम आपको एक एक चीज बता भी सकते हैं। इसके साथ बहन जी ने यहाँ पे 80 घाटों को जोड़ने का काम किया। यहाँ का यातायात देखते हुए उन्होंने फ्लाईओवर बनवाने का भी काम किया है। यही नहीं, बिजूर में भी उन्होंने पूर्ण विकास किया। वहाँ पे लोग कहते हैं अयोध्या ने श्रीराम जी है, तो बीएसपी के लोगों का मानना है कि श्री राम नहीं सीता राम आप कहिए, तो सीता जी का भी ध्यान रखा गया। वहाँ पे जब सीता जी अपने अंतिम समय में रही थी तो उनकी सीता रसोई बिजूर में वाल्मीकि मंदिर लवकुश का पूरा घाटों का निर्माण सभी काम किया। उसके आगे उन्होंने कन्नौज में जो कि एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, और साथ ही साथ जिला अस्पताल और कचहरी देने का, और वहाँ के लड़कियों का अलग से स्कूल नहीं था तो लड़कियों का डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम निर्माणी बहन जी ने 140 करोड़ का बजट देकर किया। इसके साथ उन्होंने आगरा में भी विकास किया तथा मथुरा वृंदावन का, तो आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ कि औद्योगिक विकास हो इसलिए उन्होंने नोएडा का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया। आप लोग अगर नोएडा गए होंगे तो आपने खुद देखा होगा कितने फ्लाईओवर दिए, कितने उन्होंने पास किए, इमारतें दी। साथ ही साथ यहाँ पे जब बहन जी की सरकार आई थी तो सिर्फ 6,000 मेगावाट बिजली थी, उसको 13,000 मेगावाट बिजली बढ़ाने का काम किया।
हमारे देश से आए चाहे विदेश से आए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आईटी सेक्टर खोलने के लिए उन्होंने नोएडा का पूरा विकास किया, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीवर जो है बनाने के लिए भी भूमि का अधिग्रहण भी किया गया। बाद में केंद्र से समझौता नहीं हो पाया तो वो बंद हो गया, जिसको कि अब बीजेपी की सरकार कहती है कि हमारे दोनों नाव में पैर हैं तो आज मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। यानी मेरी सरकार यहाँ पे भी है, कोई काम नहीं रहेगा, केंद्र में भी है, मैं इसका भूमि पूजन कर रहा हूँ जो कि कल किया गया। हमारे अन्नदाता किसान जो कि सरकार ये खुद जानते हैं कि किसानों का किसी भी सरकार में कोई उचित मूल नहीं मिला, ना किसी को कोई उचित उनको राहत दी गई सरकार किसानों को। बहन जी जब 2007 में आई उनके शासन काल में गन्ने का मूल दुगना होने का काम आते साल बहन जी ने किया था, साथ ही साथ हर साल उसका मूल उनकी फसल का उचित मूल देने का काम किया था। और उन्होंने 7 सितंबर को मन से, आप जानते हैं आज संविधान दिवस है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो कि संविधान के रचयिता हैं, बहन जी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, वो सिर्फ संविधान बाबा साहब के काम कार्यों को, उनके नियमों को, उनके रूल रेगुलेशन को पूर्णतः पालन करती हैं। उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, वो जो मन से बोलती हैं उसको पूरा करके दिखा देती है। जैसा कि बीजेपी की सरकार की कमी करने में बहुत अंतर है, आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि 2 साल पहले रामलला के मंदिर के लिए जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ना वहाँ पे भूमि पूजन हुआ ना न्यू पूजन हुआ। हाँ टीवी में हमने भी ईट पूजन देखा था, कुछ नहीं हुआ, रामलला जी अभी भी टेंट में ही बैठे। जब इस पे कहा गया तो आप सुनते हैं कि वहाँ बुझाई का काम शुरू हो गया। इसी तरह आपके किसानों के लिए अभी जो बहन जी ने तो 7 सितंबर को ही कह दिया था कि हमारी सरकार आने से 2022 में ये 3 काले कानून लागू नहीं होंगे, जिसको कि चुनावी स्टंट समझते हुए आप लोग समझ जाइए कि चुनावी स्टंट है। उन्होंने अभी 19 तारीख को 3 काले जो 3 कानून बनाए थे कृषि कानून उनको वापस किया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि कानून उसकी अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो साथ में साथ किसानों के लिए उचित मूल्य की नेता भी निर्धारण हो जाना चाहिए, जो फसल का निर्धारण हो जिससे कि जिसको कि MSP कह रहे हैं कि वो मूल्य का निर्धारण हो जाए। और साथ ही साथ जो 700 लोग इस आंदोलन में मर गए हैं उनका क्या, उनका तो कोई ना मुआवजा दिया गया ना उनका कोई नाम ले रहा है, ना उनके घर वाले ऐसे ही अभी भी सड़क पे बैठे हुए हैं, ना उनको कोई सरकारी नौकरी है। तो इस पे भी बीजेपी की सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, बहन जी ने तो ये भी अपने मन से कहा था कि जब उनकी 2022 में सरकार आएगी तो वो जो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं उन्होंने पहले साफ कह दिया इस बार मेरी सरकार आएगी तो हमारा सारा पैसा सारा सरकारी खजाना ये इमारतों और किसी में नहीं लगेगा, वो जो काम करना था हम कर चुके हैं। सिर्फ एंड सिर्फ इस प्रदेश को जो कि उत्तर प्रदेश से उल्टा प्रदेश हो गया है उसको उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य करें। खासतौर से महिलाओं के लिए वो सबसे पहले सोचेंगी, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी रोजी रोटी के लिए कि हमारी महिलाएं कैसे चैन अमन की जिंदगी बिता सकें। आजकल तो आप लोग देख रहे हैं कि भय का समाज है, जहाँ इतिहास गवाह है कि जहाँ चैन अमन शांति नहीं होती है वहाँ विकास नहीं हो जाता। इसी तरीके से बहन जी ने ये भी कहा कि जो संस्कृत विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं उनका उचित मानदेय दिया जाएगा। किसानों का तो उन्होंने बोला ही, संस्कृत विद्यालयों को भी मानदेय जो बंद हो गए उनको पुनः जीवित किया जाएगा, फिर से संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ साथ वित्त विहीन शिक्षकों की समस्या जानकर उन्होंने बोला है कि हम जैसे ही हमारी 2022 में अगर गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा जो
बेचारे जाने 50 साल 30-40 साल से परेशान घूम रहे हैं। इतनी शिक्षक और कर्मचारी उनका उचित ध्यान रखा जाए, यही नहीं जिन लोगों के नवान जो नौजवान रोजगार है जो बेरोजगार हो गए हैं उनके रोजगार के लिए भी उचित संप्रबंध किया जाएगा, उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी माँ बहन बेटियों के लिए आज लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चुस्त एंड दुरुस्त होगा कि जिससे कि महिलाएं बिल्कुल महफूज हो सके और आराम से अपनी जिंदगी यापन कर सके, कहीं जाना हो कहीं करना हो चाल चाल ठोक के काम कर सके। जब बहन जी की सरकार थी तो महिला थाने भी खोले गए थे और महिला कमीशन में लोग महिलाओं की सुनवाई भी हो रही थी, आजकल वो हमें नहीं दिख रहा। इसलिए हम चाहते हैं अगर बहन जी को जिताना है आप लोग बीएसपी के नीले झंडे के तले आकर सब लोग एकजुट हुई है यहाँ से जाके को जोड़िए जहाँ मीटिंग कर सकते हो। हमने अपनी मीटिंग 2009 में स्टार्ट की थी ड्राइंग रूम में, हम माइक से नहीं बोलते, ड्राइंग रूम मीटिंग शुरू की थी। आप लोग घर घर जाके ड्राइंग रूम मीटिंग करिए और लोगों को बहन जी का संदेश दीजिए और बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए बीएसपी को लाइए जो इतनी अव्यवस्थाएं आपने सरकार में आपने जितनी अव्यवस्थाएं देखी है, मेरा कहना है कि आप लोग 2022 में उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा और दिल्ली को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। आज आप लोग संघर्ष ले कि बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि अपने लिए कि महिलाएं और उनके बच्चे सब सुरक्षित रह सके और एक हमारे विकास वाला इसका उत्तर प्रदेश का स्वरूप खिस सके जहाँ किसी उतार दिखाई पड़े और चाहे दमन हो। आप कहते हैं कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दे दी गई, तो गैस आपने 400 रुपए से 1000 रुपए पहुँच गई। अभी टीवी में विज्ञापन देखा, विज्ञापन ने रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी आपने कि एक प्रेस रिपोर्टर वहाँ पहुँचे कि आपको तो उज्ज्वला योजना के अंदर ये फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया, तो उस लेडी का जवाब सुन के हमको हैरान रह गए। उन्होंने कहा ठीक है 400 से 1000 रुपए हो गया तो इसको क्या हम अपना सर फोड़ने के लिए रखें, हमारा यहाँ चलिए खाना देखिए चूल्हे में बढ़ता। आप खुद ही बताइए जब आपकी रसोई इतनी महंगी हो गई है कि जो तेल 50 रुपए का पैकेट मिलता था वो 200 रुपए का मिलने लगा है, इसी तरह के आलू प्याज टमाटर सभी कुछ महंगा हो गया। यही नहीं आपके डीजल जो मध्यम वर्ग के लोग स्कूटी चला के चाहते हैं कि हम अपना काम कर लें और टाइम बचाए, वो भी डीजल पेट्रोल कहाँ आसमान छोड़ रहे हैं। इंटरनेशनली तो ये रेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन भारत में बीजेपी की सरकार के द्वारा ये टैक्स बढ़ाया गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो उन्होंने निजीकरण कर दिया है। यहाँ तक कि सरकारी जो LIC बिल्डिंग है, आपके एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सभी को उन्होंने कुछ पूंजीपतियों के हाथ में लीज पे दे दिया है कि आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। ये हाल अभी इस सरकार का चल रहा है। यही नहीं आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों से पूछिए तो कहते हैं जो लोग बेचारे नहीं चला वो कहते हमारे यहाँ एक टाइम खाना पड़ रहा है, हम लोग एक ही टाइम खाने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे देश में आप अभी जैसे सुनने में आया है कि बीजेपी की सरकार, मैंने उनको टीवी पे सुना ने कहा है कि एक किलो आटा 1 किलो चावल दाल ये 2022 के मार्च तक 1.25 करोड़ व्यक्तियों के घर में पहुंच जाएगा। तो आप इससे बताइए 1.25 करोड़ व्यक्तियों के यहाँ कितनी बार पहुंचेगा, मुश्किल से एक बार और वो भी सिर्फ और सिर्फ मार्च तक। तो ये चुनावी स्टंट नहीं तो क्या है, आप उनको खुद बताइए आपकी जिंदगी इसमें कट जाएगी। 1 किलो तेल मिल गया 1 लीटर तेल मिल गया 1 किलो दाल चावल मिल गया, इससे जिंदगी तो नहीं कटने वाली है। तो आप लोग इससे संभल के रहिए, बहकावे में मत आइए और आपसे ये अपील है कि इस बहकावे में आके 2022 में इनको इन सब चीजों का
मुंह तोड़ जवाब दीजिए और बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करिए। जय भीम जय भारत। आप लोग सहमत है ना? हाँ ठीक कहें ना, तो संकल्प ले जा हो गया ना, एक बार तुम हम बता देते ले लिए एकदम। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुजन समाज पार्टी के जनपद की जिलाध्यक्ष जी की धर्मपत्नी इंजीनियर अर्चना अर्चना सिंह पटेल जी से, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी है, वो आए। उन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि कम शब्दों में आज की सभा का समापन करें श्रीमती अर्चना सिंह पटेल जी। हमें जागरूक किया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा